हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ऑप्टोमेटिस्ट जानवी रघुवंशी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी ऑप्टिकल ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको ट्रेनिंग करते समय किन चीज़ों पर फोकस रखना है जिससे आप सारी चीज़ें जल्दी सीख सकें, साथ ही अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से कर सकें। ओके, तो सबसे पहले तो जब हम ऑप्टोमेट्री कोर्स कंप्लीट करते हैं, जब हम अपनी ऑप्टोमेट्री की स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, देन हमारे पास में दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हम क्लिनिकल ज्वाइन कर लें या फिर हम ऑप्टिकल ज्वाइन कर लें। एंड यही वो टाइम होता है जिससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है ऑप्टोमेट्री में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसी चीज़ से एक्सपीरियंस मिलता है, फिर हम उसी लाइन में आगे बढ़ते हैं। उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जिससे आपको ये जानने में ईजी रहे कि आपको कौन सी लाइन चूज़ करनी है, साथ ही कौन सी लाइन आपके लिए बेटर रहेगी। ओके, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो नहीं होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ऑप्टिकल ट्रेनिंग में जाना है, ऑप्टिकल में अपना कैरियर बनाना है, देन आपको किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए। ओके, क्लिनिकल अगर हम ट्रेनिंग करते हैं, क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री में अगर हम जाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस में हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है, उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ जिन पे आप फोकस करके अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और जल्द से जल्द सारी चीज़ें सीख सकते हैं और अपनी ऑप्टोमेट्री कैरियर में ऊँचाइयों को भी छू सकते हैं। जी हाँ, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन हम बात करने वाले हैं डिज़ायर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है, तो हाँ नई बात ये है कि जब आप ऑप्टोमेट्री कॉलेज में जाते हो तो आप में सारी चीज़ों को सीखने की एक डिज़ायर होती है। आप ऑप्टोमेट्री के बारे में जानना चाहते हैं, आप सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं, आप स्टडी करना चाहते हैं, आप ऑप्टोमेट्री की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहती हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है, आई चेकअप क्या होता है, आई डिजीज़ क्या होता है, आपको सब कुछ जानने का एक डिज़ायर होता है। लेकिन जब हम ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग में जाते हैं, यानी जब हम अपनी कॉलेज कंप्लीट करते हैं, प्रैक्टिस में जाते हैं, तो हमारे अंदर वो चीज़ वो डिज़ायर कम हो जाती है। जी हाँ, उसका रीज़न है कि जब हम प्रैक्टिकल ज्वाइन करते हैं तो हमें लगता है कि हम स्टडी करके आए हैं, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और हमें थोड़े टाइम ही लगेगा, हाँ हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, हम एक परफेक्शनिस्ट बन पाएंगे। ओके, नॉट ओनली ऑप्टोमेट्रिस्ट, परफेक्शनिस्ट। ओके, बट इट्स नॉट ईजी, आपको उसके लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो जज्बा आप में कॉलेज में था चीज़ों को सीखने का, जो डिज़ायर आप में थी, वो डिज़ायर आपको ट्रेनिंग में भी रखनी पड़ेगी। जी हाँ, एक्चुअली में क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग करते हो तो आपको नोट्स रखने चाहिए, आपको हमेशा एक डायरी बनानी चाहिए। उसमें क्या है, जो भी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो आपके ट्रेनर हैं, जो आपके सीनियर हैं, जो आपको समझा रहे हैं, वो तुरंत आपको डायरी में नोट कर लेना चाहिए। उससे क्या रहेगा, आपको कभी भी चीज़ों की रिक्वायर्ड रहेगी, आप उनको देख सकते हैं, आपके पास वो अवेलेबल रहेंगी, आपको अपनी सीनियर से सेम चीज़ बार बार नहीं पूछनी पड़ेगी। ओके, इससे हमारा इम्प्रेशन भी ख़राब रहता है। ओके, तो आप एक चीज़ को एक बार में ही अच्छे से सीख सकते हो। साथ ही क्या होता है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो कंपनीज में क्या होता है, काफ़ी सपोज 10 स्टूडेंट है, 10 ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, तो 10 ऑप्टोमेट्रिस्ट की एक साथ ट्रेनिंग होती है, तो ऐसे में क्या होता है, हम हेजिटेट करते हैं, हमारे माइंड में सपोज हमारी ट्रेनर ने हमें कुछ गाइड किया, वो चीज़ हमें नहीं आई है, हमने कुछ और हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट था, देन हम क्या करते हैं, हम वो क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट करते हैं, हम अपनी सीनियर से वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपके माइंड में जो भी डाउट है आपको क्लियर करना है, उससे उनको भी लगेगा कि आपको सीखने की डिज़ायर है और उनको भी सिखाने में आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अगर आप सीखना चाहेंगे तभी लोग आपको सिखाएंगे। ओके, ज़बरदस्ती मैं या इस दुनिया में कोई भी आपको नहीं सिखा सकता, आपको सीखना है, आपकी ट्रेनिंग है, डिज़ायर आपको रखनी होगी। ओके, साथ ही जब आप फ्री रहते हैं, ओके, हमेशा तो आपकी ट्रेनिंग नहीं चल रही होती है, आप फ्री रहते हैं,
देन आप ट्राई कीजिए, आप ग्रुप डिस्कशन करें. ओके, ग्रुप डिस्कशन से क्या होगा, जो भी आपके कलीग्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे आप ग्रुप डिस्कशन करोगे, आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, साथ ही आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा होगा और उनके साथ में आपका बॉन्डिंग इंटरेक्शन भी अच्छा होगा. ओके, और नंबर पॉइंट हम डिस्कशन करने वाले हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ओके, अगेन दिस इज़ अ ह्यूज टॉपिक. ओके, दिस इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक, सो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस. ओके, बट हियर आई एम डिस्कसिंग सम पॉइंट्स. ओके, तो इसमें क्या रहता है कि आपको बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना रहता है. बेसिक चीज़ें इन द सेंस आपका सेंस ऑफ ह्यूमर. ओके, आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं. एक चीज़ हमेशा याद रखिए, वो आपका वर्क प्लेस है. ओके, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है. प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ को कभी मिक्स मत कीजिए. कभी भी अपने वर्क प्लेस पर अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस मत कीजिए. ओके, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में आप प्रोफेशनल रिलेशन भी मेंटेन नहीं कर पाओगे. सो बेटर है कि आप अपने प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन रखें. ओके, साथ ही आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है. यू नो, आपने एक लाइन सुनी होगी, यू नो आपने एक लाइन सुनी होगी, एक्चुअली मुझे अभी रिमाइंड नहीं आ रही है, फॉरगेट इट. उसमें क्या होता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस मैटर करता है. इन द सेंस आपने क्या पहना हुआ है, लाइक आप कुछ भी पहन के चले जाओगे, आप किसी का आई चेकअप कर रहे हो, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपके सीनियर हैं, आपके जूनियर हैं, उनके सामने आपका इम्प्रेशन क्या पड़ेगा. यू नो, आपको अपना इम्प्रेशन और अपनी लगना चाहिए उनको कि आप एजुकेटेड हो. ओके, ऐसा नहीं है जो कैजुअल पहनते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, बट एक ड्रेसिंग सेंस होता है. तो आपको हमेशा ही अपनी वर्क प्लेस पर फॉर्मल क्लॉथ वियर करनी चाहिए. ओके, इसमें आप में कॉन्फिडेंट आएगा और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखेगी. तो ओके, एंड कम्युनिकेशन स्किल चाहे आप ऑप्टोमेट्री में ट्रेनिंग कर रहे हो या किसी अदर में भी आपका कैरियर बनाना चाह रहे हो, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी 99.9% में आपको कम्युनिकेशन स्किल की रिक्वायरमेंट रहेगी. आप जितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को उतना इम्प्रूव कीजिए. ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. आप लोगों को अपनी चीज़ें रख पाएंगे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएंगे. कभी क्या होता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है और हमारे कम्युनिकेशन वीक होने की वजह से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते हैं. तो वो भी आप इम्प्रूव कीजिए, वो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा. ओके, थर्ड हम स्टार्ट बात करते हैं टेक्निकल नॉलेज. ओके, टेक्निकल नॉलेज में क्या है, जो भी वहाँ जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे. रिफ्लेक्शन के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं, लाइक रेटिनोस्कोपी. वैसे तो आप ये कॉलेज में भी पढ़ के गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको यू नो प्रैक्टिस एक अलग चीज़ हो जाती है. तो आपको रेटिनोस्कोपी, कैराटोमेट्री, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, फ्रैक्टोमीटर, बहुत सारे लेंसोमीटर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे. ओके, आपको उनमें मास्टरी होनी चाहिए. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इंस्ट्रूमेंट को स्मूथली यूज कर पाएंगे. ओके, और साथ ही आपकी एरर भी कम आएगी. तो ऐसा नहीं है कि आप जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होने चाहिए. जहाँ जिसकी रिक्वायर्ड रहती है, हर कंपनी का अलग रहता है, जहाँ जिसकी रिक्वायर्ड रहती है वो चीज़ें अरेंज होती हैं, राइट. तो आपकी कंपनी में जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनमें सीखिए, आप उनको इम्प्रूव कीजिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू बात करने वाले हैं हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में. ओके, दैट इज़ अगेन मोर इम्पॉर्टेंट. ऑप्टोमेट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, आई चेकअप, रिफ्रैक्शन, जो आपका मेन वर्क है. ओके, अब आपको उसमें क्या करना है, सपोज आप किसी का आई चेकअप करने जा रहे हो. ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी पेशेंट की हिस्ट्री जाननी है. आपको उनसे क्वेश्चन पूछना है. आपको हिस्ट्री लेने से क्या होगा कि आपको अपनी पेशेंट की आई हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा. सपोज उनको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपका पेशेंट डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, बिकॉज ऐसे में आई की पावर में बहुत जल्दी फ्लैक्चुएशंस आते हैं, राइट. तो ऐसे में क्या आप उनको अच्छे से गाइड कर पाओगे. आप अगर आपको रिक्वायर्ड रहेगी आप उनको 3 मंथ में भी आई चेकअप के लिए बुला सकते हो, आप उनको गाइड कर सकते हो. बट आपको पता ही नहीं है उनको डायबिटिक है तो,
फिर अगर किसी की आईज नॉर्मल है, अगर किसी को थोड़ी पावर है, इनिशियल में कुछ प्रॉब्लम है, देन वो 1 ईयर के बाद भी आई चेकअप करवाते हैं, 6 मंथ के बाद करवाते हैं, तो भी कोई इश्यू नहीं है। बट वो आप कब गाइड कर सकते हो? जब आपने अपने पेशेंट की हिस्ट्री ली होगी। तो हमेशा ही आई चेकअप से पहले अपने पेशेंट की हिस्ट्री आपको लेके रखनी है, ओके। एंड उसके बाद में आपको पहले उनके आईज को चेकअप करने से पहले देखना है, कहीं उनको किसी टाइप का एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, ना उनके आईज में रेडनेस तो नहीं है, स्टाई तो नहीं है, कंजक्टिवाइटिस तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो पहले आप अपने पेशेंट को ट्रीट कीजिए और उसके बाद फिर से आई चेकअप के लिए बुलाइए, क्योंकि आप ऐसे पेशेंट में इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज आप उन्हीं अगर उसी इंस्ट्रूमेंट से भले आपने सैनिटाइज किए हों, आप उन्हीं से किसी अदर कस्टमर का आई चेकअप करोगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो फिर वो चीज़ से बचने के लिए, सेफ्टी रखने के लिए, आप पहले देख लीजिए, उस चीज़ को ट्रीट कीजिए, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कीजिए, उसके बाद उनको दोबारा से गाइड कीजिए, फिर आए वो और तब उनका आई चेकअप कीजिए, तब उनकी रिफ्रैक्शन कीजिए और उनका नंबर फाइंड आउट कीजिए, ओके। साथ ही रिफ्रैक्शन जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको सारे टेस्ट करने हैं, कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है, चाहे वो विजुअल एक्यूटी टेस्ट हो, मोलैरिटी टेस्ट हो, यू नो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर यूज करना हो, डॉट टेस्ट हो, इसरा टेस्ट हो, सारे टेस्ट आई चेकअप में आपको करने हैं। हर टेस्ट का मीनिंग अलग रहता है और हर टेस्ट रिक्वायर्ड रहता है, तभी आपका परफेक्ट रिफ्रैक्शन परफेक्ट हो पाएगा, राइट। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं मिस कर जाओगे, गलती कर जाओगे, वो आपको नहीं करना है। जितने टेस्ट हैं आपको सारे करनी है, अच्छे से करनी है, ओके। और आप किसी भी कंपनी में जाते हो, सब में रिफ्रैक्शन सेम ही रहता है, खाली स्टेप डिफरेंट हो जाते हैं, लाइक किसी में पहले करवा लिया ये टेस्ट, किसी में बाद में करवा लिया, तो वो आपने अगर एक जगह रिफ्रैक्शन करना सीखा हुआ है तो आप कहीं भी कर सकते हो, कंपनी से उससे कोई मैटर नहीं करता है, ओके। तो आप जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ अच्छे से रिफ्रैक्शन करना सीख लीजिए, ओके। लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट नॉलेज। जी हाँ, प्रोडक्ट नॉलेज में आप जिस कंपनी में हो, जहाँ आप काम कर रहे हो, वहाँ पे जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, चाहे वो कॉन्टैक्ट लेंस हो, स्पेक्टिकल लेंसेज हो, फ्रेम्स हो, आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए। उससे क्या रहता है, सपोज आपके कस्टमर ने बोला, आपके पेशेंट ने बोला कि उनको कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करना है, उनको स्पेक्टिकल करने हैं बट उनको सेकेंड टाइम के लिए उनको कॉन्टैक्ट लेंसेज भी चाहिए, ओके। आप उनको अच्छे से गाइड कर सकते हो, बिकॉज आपने उनका रिफ्रैक्शन किया है, आपको उनकी आई की रिक्वायरमेंट पता है, आपको उनकी आई हेल्थ पता है, तो आपको ये सब पता है, इसीलिए आप पता बता सकते हो कि कौन सी मटेरियल का कॉन्टैक्ट लेंस उनकी आई को रिक्वायर्ड है, राइट। इसीलिए आपको कॉन्टैक्ट लेंस की नॉलेज होना ज़रूरी है। स्पेक्टिकल लेंसेज, आपकी पेशेंट का वर्क प्रोफेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनकी आईज को किस लेंसेज की ज़रूरत है, वो सब आप गाइड कर सकते हो अगर आपको स्पेक्टिकल लेंसेज की नॉलेज होगी तो। साथ ही अगर आपके पेशेंट की स्किन सेंसिटिव है तो कहीं फ्रेम के किसी मटेरियल से उनको एलर्जी ना हो जाए, ये सब चीज़ें आपको नॉलेज रहेंगी, ओके, तो आप उनको गाइड कर पाओगे और ये सब आपके डिस्पेंसिंग में भी हेल्प करेंगे। आप जितनी ज़्यादा नॉलेज रखोगे आप अपनी डिस्पेंसिंग उतना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी ऑप्टिकल में ट्रेनिंग को इम्प्रूव करेंगे और साथ ही आप जल्द से जल्द सारी चीज़ें सीख सकते हो, अपनी प्रैक्टिस को बेस्ट बना सकते हो, ओके। सो हम ये लास्ट में आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही न्यू अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ओके। टेक केयर ऑफ योर आईज एंड बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।